फैक्ट या फिक्शन में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी टनल के बारे में जो दो सच्चा प्यार करने वालों की हर मुराद पूरी करती है। टनल ऑफ लव यूक्रेन में सबसे रोमांटिक स्थानों में से एक है, जो हमेशा रोमांटिक टूर पर जाने वाले कपल्स और हनीमून पर जाने वाले नव युगल को आकर्षित करती है। इस टनल को लेकर मान्यता है कि इस पूरी टनल में अपने पार्टनर के हाथ में हाथ डालकर सैर करते हुए मन से जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। कहते हैं कि सच्चा प्यार हो तो इस टनल में मांगी गई हर मुराद कुछ ही समय में पूरी हो जाती है। टनल ऑफ लव में अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए मई से अगस्त तक और सितंबर से अक्टूबर तक जा सकते हैं। इस दौरान यहाँ का मौसम और खूबसूरती दोनों चरम पर होते हैं। एक और खास बात कि अगर आप पूरी तरह से हरी पत्तों से लदी हुई टनल में प्यार भरी चहलकदमी करना चाहते हैं तो आपको मई से अगस्त के बीच यहाँ आना चाहिए। लेकिन अगर आप बदलते मौसम में पेड़ों की बदलती रंगत के साथ हरे और पीले पत्तों के बीच रोमांस करना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच यहाँ आएं। प्यार भरे दिलों के बीच ये टनल इतनी मशहूर है कि अब रेलवे इस ट्रैक का इस्तेमाल नहीं करता और इसीलिए उन पेड़ों को भी नहीं काटा जाता जो ट्रैक के इर्द गिर्द उगाते हैं। इसी कारण इस ट्रैक पर बेहद हरियाली है और काफी सारी बेलें भी हैं। इन बेलों और बड़े पेड़ों की शाखाओं ने पूरे रेलवे ट्रैक को कवर कर एक प्राकृतिक छत का निर्माण कर दिया है और इसी छत के कारण ये टनल बहुत ही आकर्षक लगती है। प्रेमी जोड़ों के लिए वसंत, गर्मी और शरद ऋतु में इस टनल की सुंदरता अपने चरम पर होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में जब भारी बर्फबारी से इस जगह का ज्यादातर क्षेत्र कवर हो जाता है तब इस टनल की सुंदरता और भी खूबसूरत लगती है। इसका बदलता हुआ लुक उस समय इसे और भी आकर्षक बना देता है। प्रेमी जोड़ों के लिए इस टनल को आशीर्वाद का स्थान माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर से प्रेमी जोड़े इस टनल में घूमने आते हैं और हाथों में हाथ डाले अपने प्यार को अमर करने की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट या फिक्शन।